हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मेरी किचन शालूज लव बुक पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी घर में मिंट पाउडर आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि पुदीने का पाउडर कैसे घर में तैयार कर सकते हैं। तो पुदीने का पाउडर बहुत आसान होता है घर में बनाना। आप मार्केट से भी ला सकते हैं, पर घर में अगर आप बनाएंगे तो उसकी बात ही अलग होती है, खुशबू ही अलग होती है। पुदीने के पाउडर को कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है। चाट मसाला बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। चाट मसाले की रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की है, जिसमें मैंने पुदीने के पाउडर का यूज़ किया और वहीं पर मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि मैं आपके साथ पुदीने के पाउडर की रेसिपी शेयर करूँ, जो मैं इंस्टेंटली बनाती हूँ। तो पुदीने के पाउडर से आप गोलगप्पे का पानी भी बनाते हैं, रायतों में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में पुदीने का पाउडर काम आता है। तो मल्टीपर्पज़ पाउडर है, जिसको आप बनाकर रख लीजिए, 6 महीने तक आप रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता। आइए मैं दिखाती हूँ कैसे आप घर में 3 तरीकों से तैयार कर सकते हैं पुदीने का पाउडर। तो फ्रेंड्स, घर में पुदीने का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पुदीना चाहिए, जिसको मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश कर लिया और पानी को पूरी तरीके से हमें सुखा लेना है। पत्तियों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा पत्तियों में, उतना ही टाइम लगेगा सूखने में, साथ ही खराब होने का डर भी रहता है, पत्तियाँ सड़ भी सकती हैं। तो ये देखिए, अच्छे से धोने के बाद में डंडियों को मैंने रिमूव कर लिया और पत्तियां यहाँ पर हैं। इसको मैंने एक साफ सूती कपड़े के ऊपर डाल दिया है। फैन के नीचे मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसका पानी पूरी तरीके से सूख जाए। जब इसका पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा, तब आप इसको किसी अखबार में भी बिछा सकते हैं और आप इसको सूखने के लिए रख सकते हैं, या फिर आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 घंटे के बाद में आप देखिए यहाँ पर पत्तियों का कलर चेंज हो चुका है और पत्तियों का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। तो यहाँ पर पुदीने का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले पत्तियों को हमें सुखाना जरूरी है। तो सुखाने के लिए कई तरीके हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप चाहें तो, अगर गर्मियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है और रेनी वेदर है, तो तीनों सीज़न में पत्तियों को सुखाने का अलग अलग तरीका है। समर्स है तो आप अखबार ले लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले लें और उस पर आप पत्तियों को दूर दूर डाल दें। तो पत्तियाँ ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर एक दूसरे के ऊपर पत्तियाँ आएंगी तो सड़ने का डर रहता है। बीच बीच में आप सुबह शाम इनको उलट पलट कर सकते हैं और फैन के नीचे आप कहीं भी सुखा दीजिए। तो समर्स हैं तो कहीं भी ये पत्तियां सूख जाएंगी। हाँ, अगर विंटर सीजन है तो आप इसको 2 तरीके से सुखा सकते हैं। इसी तरह से चाहे तो पंखे के नीचे अखबार पर भी सुखा सकते हैं, या फिर आप इसको सनलाइट के नीचे भी अखबार में रखकर या कपड़े के ऊपर सुखा सकते हैं। तो विंटर में सुखाने के दोनों मेथड हैं। विंटर में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप इसको सनलाइट के नीचे सुखाएं। कलर चेंज होगा पर पुदीने का पाउडर बढ़िया बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर आपको विंटर्स में बनाना ही है तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको जब कपड़े पर सुखा रहे हैं तो एक ऊपर से कपड़ा और आप इस पर डाल दें, एकदम महीन कपड़ा डाल दें, ताकि सनलाइट की वजह से जो पुदीने का कलर है वो कम चेंज होगा। तो बहुत अच्छी टिप दी है मैंने विंटर्स में सुखाने के लिए। तो आप इस टिप को फॉलो करके विंटर सीजन में भी बहुत बढ़िया हरा हरा पुदीने का पाउडर बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ तीसरा तरीका, जिसमें मैं इंस्टेंटली पुदीने के पाउडर को घर में बनाना बताऊंगी और इंस्टेंटली आप बना पाएंगे, साथ ही आपको सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैन के नीचे नहीं सुखाना है, धूप के नीचे नहीं सुखाना है और इंस्टेंटली आप पाउडर बना सकते हैं। 5 मिनट में आप पाउडर बनाकर रेडी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में हम बनाएंगे पुदीने का पाउडर। तो माइक्रोवेव में बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक माइक्रोवेव सेफ डिश, और इसके ऊपर इस तरह से दूर दूर हमें पत्तियों को डाल देना है। पत्तियां बहुत ज़्यादा एक बार में डिश के ऊपर ना डालें, डिश का साइज़ भी हमें देखना होगा, और इस तरह से पत्तियों को दूर दूर आप फैला दें। इसके बाद में इसको माइक्रोवेव में हम 1 मिनट लिए रख देंगे। माइक्रोवेव में मोड पर इसको 1 मिनट लिए चला लें, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट के बाद में जो पत्तियां हैं कहीं पर हरी रहेंगी, कहीं पर हल्का सा इसका कलर डार्क हो जाएगा और कहीं पर ये थोड़ी सूख जाएंगी, कहीं पर ये गीली रहेंगी। तो इस तरह से 1 मिनट करने के बाद में इसको बाहर निकाल लें। जब इसका मॉइस्चर थोड़ा सा उड़ जाएगा, आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा गरम गरम सी भाप निकलेगी। जब वो उड़ जाएगी, 2-3 मिनट बाहर रखने के बाद में वापस से इसको माइक्रोवेव में रखकर इसी प्रोसेस को हमें 2-3 बार रिपीट करना है। हर बार हमें 1 मिनट लिए रखना है और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है, जब तक कि पत्तियाँ इस तरह से सूख नहीं जाती। तो पत्तियाँ जब सूख जाएंगी तो इस तरह से हाथों से इजिली क्रश हो जाएंगी, तो ये साइन होगा कि हमारी पुदीने की पत्तियाँ सूख चुकी हैं। तो हाथों से इस तरह से क्रश करके आप पुदीने का पाउडर बना सकते हैं, या फिर सूखी हुई पत्तियों को आप मिक्सी के जार में डालकर पाउडर बना लीजिए, उसको एयरटाइट बॉक्स में भरकर आराम से आप 6 महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से आप बना सकते हैं घर में पुदीने का पाउडर। 3 तरीके मैंने आपको सिखा दिए हैं तीनों सीजन के लिए, समर्स में, विंटर्स में और रेनी वेदर में कैसे आप घर में बना सकते हैं पुदीने का पाउडर। तो बहुत आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।